ख्वाबों के शहर जैलन नवाब से सैयद इमरान हुसैन बुखारी। आप देख रहे हैं ANN न्यूज बाखबर पाकिस्तान। मैं हूँ शाद हुसैन नक्शबंदी, ब्यूरो चीफ ANN न्यूज बिहाड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ANN न्यूज और मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। खबर नगर के आगाज पर रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां पंजाब हाईवे पुलिस की जानिब से सिविल अस्पताल इंतजामिया, डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं जिशान मलिक। हाईवे पुलिस की तरफ से सिविल अस्पताल में कोरोना के लिए मुतैना कोरोना डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई और उन्हें सलामी दी गई। इस दौरान DSP मोहम्मद रिजवान ने MS सिविल अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद हुसैन राणा और दीगर को फूलों के गुलदस्ते पेश किए और मेडिकल स्टाफ की हौसला अफजाई की, जबकि MS सिविल अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ राणा ने हौसला अफजाई पर पंजाब हाईवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद ईशान मलिक, डिवीजनल ब्यूरो चीफ ANN न्यूज बहावलपुर। खबर शामिल करेंगे कोटा दू से, जहां गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। लोड शेडिंग दौरानिया 8 से 10 घंटे तक हो गया। ट्रिपिंग से घरेलू इलेक्ट्रॉनिक अशिया भी खराब होने लगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इब्राहिम रहमानी। कोटा दू तहसील प्रेस क्लब के आगे रुकावटा के खिलाफ गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, जिसमें बार सदर मोहम्मद अरशद सदीकी ने किया, अगर ये गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म न की गई एहतजाज को बढ़ाकर रुकावटा के आगे धरना दिया जाएगा। खबर शामिल करेंगे अलीपुर से, जहां टिड्डी दल के वार फिर से जारी। शहर और नवाह में टिड्डी दल ने कपास, तिल, मूंग और आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट कर रहे हैं असर अब्बास। तहसील अलीपुर में टिड्डी दल ने फिर से हमला कर दिया। मिशन कोट, कुंदाई, खानगढ़, दोयमा, बस्ती, जरदारी, कोटलाबा, खिलंगरबा के इलाकों में भी टिड्डी दल के हमले जारी। महकमा जरात की टीमें और किसान टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ। महकमा जरात ऑफिसर रना इजाज के मुताबिक टिड्डी दल का लश्कर गुज़िश्ता दिन भी अलीपुर में आया था। महकमा जरात की टीमें और किसानों की मेहनत की वजह से अलीपुर से टिड्डी दल के लश्कर को भगा दिया गया, लेकिन आज फिर से राजनपुर वाली साइड से आकर एक और टिड्डी दल का लश्कर ने अलीपुर के मुख्तलिफ इलाकों में हमला कर दिया। महकमा जरात की टीमें फौरी तौर पर मुतासर इलाकों में पहुंच गई। बहुत जल्द टिड्डी दल के इस लश्कर को भी क्लियर कर दिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ अजहर अब्बास, ANN न्यूज अलीपुर। खबर शामिल करेंगे मेलसी से, जहां मौजा मलिक वाहन बस्ती गामे वाली में फहाशी और मंशियात का कारोबार धड़ल्ले से जारी। नौजवान असल तबाह होने लगी, मकामी पुलिस कार्रवाई करने से इनकारी, अहलिया ने इलाका सरापा एहतजाज हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां वजाहत। मेलसी के इलाका मौजा मलिक वैन के रिहायशी मोहम्मद आमिर भुट्टा, मास्टर फिदा हुसैन, हक नवाज बलोच, राव सजाद, रियाज अराइम, मार सदीक ने एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि हमारे गांव गामे वाली बस्ती में इस्माइल बलोच और उसकी बेटी ने फहाशी का अड्डा बनाया हुआ है और मनशियात का कारोबार करते हैं। हमारी नौजवान नस्ल खराब हो रही है। मकामी पुलिस को शिकायत की लेकिन कार्रवाई करने से इनकारी। मार रियाज अराइम ने कहा, जब हमने इस्माइल को मना किया तो धमकियां देता है और कहता है हम हर महीने मंथलियां देते हैं और जो करना है कर लो, हमारी पहुंच ऊपर तक है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अहले इलाका ने कहा अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई ना की तो विहाड़ी रोड बंद कर देंगे और DPO ऑफिस के सामने धरना देंगे। वजीर आजम, वजीर आला, DPO विहाड़ी फौरी नोटिस लें और फौरी कार्रवाई करें और इस बुराई के अड्डे को जड़ से खत्म कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ मियां वजाद, ब्यूरो चीफ ANN मेलसी। खबर शामिल करेंगे डेरा गाजी खान से, जहां थाना गदाई पुलिस ने लाखों रुपए के नॉन कस्टम पेड सिगरेट स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अली खोसा। DPO डेरा गाजी खान अख्तर फारूक की खसूसी हदायत पर जिला भर में जराय पेशा अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी।
एस एच ओ थाना गदई शकील अहमद बुखारी को खुफिया जराये से इतला मिली के गैर मुल्की नॉन कस्टम सिगरेट को आज एसी कोच जो के क्वेटा सूबा बलोचिस्तान से आ रही है इस कोच के जरिए स्मगल किया जाएगा, जिस पर एस एच ओ थाना गदई शकील बुखारी ने मुश्तमिल टीम तश्कील देकर इस फाल को नाकाम बनाने का टास्क हवाला किया। क्वेटा सूबा बलोचिस्तान से आने वाली कोच की तलाशी लेने पर कोच के खुफिया खानों से गैर मुल्की सिगरेट के 3160 पैकेट और छालियां बरामद हुई, जो के गैर कानूनी तरीके से कस्टम अदा किए मुल्की खजाना को नुकसान पहुंचाकर स्मगल की जा रही थी। स्मगल की जाने वाली सिगरेट और छालियों की कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए तक है। जी, कैमरा टीम के साथ इमरान अली खोसा, ब्यूरो चीफ ANN न्यूज, डेरा गाजी खान। खबर शामिल करेंगे चमन से, जहां दो सीनियर साफी सईद अली अचकजई और अब्दुल मतीन अचकजई को गुज़श्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला ने लाजवाज गिरफ्तार करके दौरान हिरासत शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, 16 MPO में मच जेल मुंतकिल कर दिया। साफियों की हालत तशद्दुद से इंतहाई खराब हो गई, इस वाक़े पर मुल्क भर के साफियों में शदीद गम व गुस्सा पाया गया। आज़ादी साफ़त और साफियों की बदतरीन तशद्दुद के खिलाफ आज बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेरे तमाम चमन ज़िलाई इंतजामिया की जानिब से साफियों पर दौरान हिरासत बहमाना तशद्दुद के खिलाफ बलोचिस्तान असम्बली के इजलास से वॉकआउट किया जाएगा और वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत वज़ीर दाखला को वाक़िया से मुतल्लिक आगाह किया जाएगा। खबर शामिल करेंगे मेलसी से, जहां इलाका थाना करमपुर पुलिस ने वट्टा सट्टा की भेंट चढ़ने वाली जंजीरों से जकड़ी दो बहनों को खाना बदोशों के चुंगल से बाजियाब करवा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां वजाहत। मेलसी के नवा इलाका मदधलू में खाना बदोशों ने झोंपड़ियों में दो बेटियों को तशद्दुद के बाद जंजीरों से जकड़ कर बांध दिया। इतला पर थाना कारमपुर पुलिस छापा मारकर दोनों बहनों को जंजीरों के ताले खोलकर बाजियाब करवा दिया। इसी दौरान बच्चों की वालदा ने पागल करार देती रहीं। आखिर खौफ में मुब्तला सहमी हुई लड़कियां खामोशी तोड़ती हुई फट पड़ी। जंजीरों में जकड़ी हुई लड़कियों ने कहा, हमारी शादी वट्टा सट्टा शादी हुई है, मेरे भाई की बीवी इसके साथ रहना चाहती है, मेरी बेटी है, मैं अपने खावन के साथ रहना चाहती हूँ, मेरे वालदैन मुझे जबरदस्ती जंजीरों से जकड़ कर बांध रखा है, मैं भागकर खावंद के पास ना जा सकूं, मेरी बहन का ये जुर्म है कि तशद्दुद के दौरान वो मुझे छुड़वाने आई, इसी दौरान उन्होंने मेरी बहन को जंजीरों से बांध दिया। पुलिस ने दोनों लड़कियों को बाजियाब करवाकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। कैमरामैन टीम के साथ मियां वजाद, ब्यूरो चीफ ANN मेलसी। खबर शामिल करेंगे कोटद्दू से, जहां जुल्म की इंतहा, हसनैन नामी 20 साल नौजवान जिम्मेदार के तशद्दुद से जां बहक हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं नियाज अहमद। कोटद्दू में जुल्म की इंतहा, हसनैन नामी 20 साल नौजवान जिम्मेदार के तशद्दुद से जां बहक हो गया। हसनैन खोखर नईम नामी जिम्मेदार के मौजूदा दरेक में मुलाजिम था। हसनैन खोखर मालिक बेपनाह तशद्दुद से जां बहक हो गया। बेवा माँ का रो रो कर बुरा हाल, उसका आखिरी सहारा छीन लिया गया। तशद्दुद की वजह मालूम ना हो सकी, डेड बॉडी TH के अस्पताल कोटद्दू मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कैमरा टीम के साथ नियाज अहमद, ANN न्यूज, कोटद्दू। खबर शामिल करेंगे गड़ा मोड़ से, जहां थाना मित्र पुलिस चौकी गड़ा मोड़ ने DPO विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान की हिदायत पर अमल करते हुए बैनुल इजलाई गैंग के 4 अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करके सामान मसरूका बरामद कर लिया। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल खालिद भट्टी की इस रिपोर्ट में। पुलिस चौकी गड़ा मोड़ थाना मित्रू की दबंग कार्रवाई, बैनुल इजला गैंग के 4 अफराद को गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद कर लिया। इस मौके पर SHO मित्रू राणा मोहम्मद अकरम ने तफसीलात बताते हुए कहा, इलाका थाना मित्रू के अंदर गड़ा मोड़, जो कि एक बहुत मार्केट के हवाले से और आबादी के हवाले से बहुत बड़ी एक इलाका है, और चौकी गड़ा मोड़ वहाँ पर अक्सर बेशतर दुकानों की और घरों की छतों को फाड़कर मुलजमान चोरी करते थे, जिस पर पुलिस मकामी ने और CIA ने मिलकर काम किया और 4 कस मुलजमान उसमें ट्रेस किए, और 4 कस मुलजमान से हमने ये माल बरामद किया जो आपके सामने मौजूद है। इस वक्त मुदई हमारे साथ मौजूद हैं, ये माल उनके उनकी अमानत उनके हवाले करेंगे, और पुलिस इंशाल्लाह आइंदा भी
जुराइम के लिए शबरोज मेहनत करेगी। इन मुजमान से असला नकदी ये माल जो आपके सामने पड़ा है एसी वगैरह और उसके अलावा इनके ऊपर 7 मुकदमा ट्रेस हुए हैं जिनकी माल मसरूका बरामद किया है और इसके अलावा 2 पिस्तौल बरामद हुए हैं इनसे। और इस पूरी कार्रवाई में व्याड़ी पुलिस CIA और पुलिस मित्रू ने मिलकर कार्रवाई की है। SHO मित्रू का कहना था कि जराइम पेशा अनासर की थाना मित्रू की हदूद में कोई जगह नहीं। इस दौरान चौकी इंचार्ज गढ़ा मोड़ चौधरी मोहम्मद सदीक ने कहा, मैं चौकी इंचार्ज गढ़ा मोड़ मोहम्मद सदीक जब से तैनात हुआ हूं तो मेरे इलाका गढ़ा मोड़ में चौकी के इलाका में काफ़ी हद तक नकबजनी की वारदातें हो रही थी। मैंने दिन रात मेहनत की, CIA स्टाफ के साथ मिलकर काम किया, थाना मित्रू की पुलिस के साथ मिलकर काम किया और ये जो चोरी की नकबजनी की वारदातें हो रही थी इन वारदातों को दिन रात एक करके ट्रेस किया और मुलजमान को गिरफ्तार किया और उनसे माल मसरूका जो बरामद किया जो कि आज ये माल मसरूका हमने असल हकदारान जिनकी चोरी हुई थी उनके हवाले कर दिया गया। SHO मित्रू राणा मोहम्मद अकरम और चौकी इंचार्ज गढ़ा मोड़ चौधरी मोहम्मद सदीक ने बरामद शुदा असल सामान मालकान के हवाले कर दिया। इस मौके पर शहरियों का कहना था, हम इनके मशकूर हैं कि इन्होंने बहुत क्लील मुद्दत में 15 से 20 दिन के अंदर अंदर हमारे चोर भी पकड़े और हमें असल माल दिया। अब्दुल खालिक भट्टी, ANN न्यूज गढ़ा मोड़। खबर शामिल करेंगे हवेली लखा से, जहां 19 मई को गटर में गिरने वाले 10 साल बच्चे की नाश ताहाल ना मिल सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं अली हैदर। हवेली लखा 19 मई को गटर का ढक्कन ना होने की वजह से गटर में गिरने वाला बच्चा उस्मानी गनी, जिसकी उम्र 10 साल थी, जिसका आज तक कुछ पता ना चल सका, जो कि बच्चे की बॉडी तक भी ना मिल सकी। वालदैन का कहना है कि बल्दिया मुलाजमी इस वाक़े का जिम्मेदार हैं। इंसाफ के लिए वालदैन का लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। वालदैन का कहना है आला अहकाम नोटिस ले और हमको इंसाफ काम किया जाए। हैदर, ANN न्यूज़, हवेली लखा। कहरोड़ पक्का के नवाही इलाका गनीवाला मौजा ढकना गांव में बिजली के तार गिरने से लकड़ियों को आग लग गई। मजीद तफसीलात जानेंगे हसनैन खान रिंद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, कहरोड़ पक्का नवाही इलाका गनीवाला मौजा ढकना घाड़ू में बिजली की तार टूटने से लकड़ियों को आग लग गई। बिजली की तार ट्रक के टकराने से टूटी। बिजली की तार टूटकर लकड़ियों पर जा गई, जिसकी वजह से आग भड़क उठी। आग लगने से 20,000 की लकड़ियां जलकर राख हो गई, जबकि 6,000 की लकड़ियां महफूज रहीं, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जी, थाना धनोट करोड़ पक्का के इलाके में नौबियाता जोड़े पर नामालूम शख्स तेजाब फेंक कर फरार हो गया। दुल्हन को तश्वीशनाक हालत के पेशे नजर बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे हसनैन खान रिंद की इस रिपोर्ट में। कहरोड़ पक्का के नवाही इलाके धनोट की बस्ती भानी में अल्ताफ और उसकी बीवी शरीफा बीबी, जिनकी 5 रोज कबल शादी हुई थी, घर में सोए हुए थे कि रात तकरीबन 2 बजे के करीब नामालूम शख्स ने घर में घुसकर उन दोनों पर तेजाब फेंक दिया और फरार हो गया। दोनों को रेस्क्यू 112 ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लोधरा मुंतकिल कर दिया, जहाँ इमरजेंसी मेडिकल अफिसर डॉक्टर तौकीर का यह कहना था कि तेजाब से झुलसने वाली शरीफा बीबी का चेहरा बुरी तरह से मुतासर हुआ था, जबकि बाजू और टांग भी मुतासर हुए। इसको जो है उनकी आंखें जो है मुतासर होने के शकूक की बिना पर उसे जो है विक्टोरिया भावलपुर अस्पताल में जो है ब्रेन यूनिट रेफर कर दिया है। शरीफा बीबी के जिस्म का तकरीबन 40% हिस्सा तेजाब से मुतासर हुआ है, जबकि तेजाब से झुलसने वाले अल्ताफ को भी भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दूसरी जानब पुलिस थाना धनोट के मुताबिक वारदात का मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लिया जा रहा है, बहुत जल्द जो है मुजरिम को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खरेंद, ANN न्यूज, कहरोड़ पक्का। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां फेस मास्क के बगैर घर से निकलने वाले अफराद को दी गई मोहलत खत्म हुई और अब जिले इंतजामिया की जानिब से सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा। इस वक्त वहां से हमारे साथ मौजूद है अशीक यासीन। जी अशीक यासीन, आगाह कीजिएगा कि शहरी इंतजामिया की हिदायत पर किस कदर अमल पैरा है। जी बिल्कुल, मुल्तान में जिला इंतजामिया की जानब से जो कोरोना आर्डिनेंस जारी किया गया था उस पर जो है 48 घंटे दिए गए थे, उसकी मोहलत ख़त्म होने में जो है चंद घंटे बाकी रह गए हैं।
जिला इंतजामिया की जानब से ये भी कहा गया, ऐलान किया गया था जो मुल्तान का शहरी जो है बगैर मास्क के घूमेगा उन पर जुर्माने भी आयद किए जाएंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमें जो है लग रहा है कि यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया था जिला इंतजामिया की जानब से, वहाँ लोग उस पर अमल पैरा नहीं हो रहे, जिसकी जानब से जो एडी सिटी आपदा फरीद जो है पर खसूसी ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन यहाँ पर जो हमें लग रहा है कि यहाँ पर अमल पैरा लोग नहीं हो रहे। आशिक यासीन आगाह करने का शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे रेहाड़ी से, जहाँ म्यूनिसिपल कमेटी ने कूड़ा किरकट तल्फ करने के बजाय शहर से बाहर मुख्तलिफ मसरूफ तरीन शाहराओं के किनारे फेंकना शुरू कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं बशीर चौधरी। रिहाड़ी म्यूनिसिपल कमेटी के अमले ने कूड़ा क्रिकेट तलफ करने के बजाय शाहरा आम पर ओपन जगह पर फेंक देते हैं। खानेवाल रोड तकरीबन 5 किलोमीटर के एरिए में म्यूनिसिपल कमेटी के अमले की तरफ से फेंके गए कूड़ा क्रिकेट के ढेर नजर आ रहे हैं, जो कि सिर्फ इस रोड पर सफर करने वाले मुसाफरों बल्कि अहले इलाका के लिए शदीद परेशानी का सबब बने हुए हैं। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला शहर से कूड़ा क्रिकेट ट्रालियां भरकर लाता है और खानेवाल रोड के किनारे फेंक कर चला जाता है। कैमरा टीम के साथ बशीर चौधरी, एएनएन न्यूज, रिहाड़ी। खबर शामिल करेंगे लोधरा से, जहां सेक्रेटरी कोऑपरेटिव पंजाब अहमद रजा सरवर का दौरा लोधरा, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में इजलास की सदारत की। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अली आवान। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव पंजाब अहमद रजा सरवर ने लोधरा का दौरा किया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में इजलास की सदारत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद मोहम्मद अब्बास शाह समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में हुकूमत पंजाब की जानब से कोरोना वायरस के लिए नाफज किए गए SOPs का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि SOPs की खिलाफवर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ अब तक 1,42,000 रुपये जुर्माने आयद किए गए हैं। इजलास में बताया गया कि जिला भर में तहसील दुनियापुर के इलाका यूनियन कौंसिल ईदगाह वाली में स्मार्ट लॉकडाउन अमल में लाया गया है। इमरान अली आवान, ब्यूरो चीफ, ANN न्यूज, लोधरा। खबर शामिल करेंगे अटक से, जहां वजीर आजम इमरान खान के साफ सुथरा पाकिस्तान के तहत MPA पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन सैयद जावर बुखारी की खसूसी हिदायत पर कामरा कला में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे डॉक्टर मोहम्मद नदीम मलिक की इस रिपोर्ट में। अटक कामरा कला वजीर आजम इमरान खान के साफ सुथरा पाकिस्तान के तहत तहरीक इंसाफ अटक के MPA पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन सैयद यावर बुखारी की खसूसी हदायत पर कामरा कलां भर में जो सफाई का मुहिम थी वो उसका आगाज किया गया था। आज 2 दिन में पूरे कामरा भर को साफ सुथरा और क्लीन और सफाई मुहिम का जो आगाज है वो मुकम्मल कर लिया गया। इस वक्त कामरा कलां भर के गली मोहल्लों और शहर को मुकम्मल तौर पर इस वक्त साफ और सुथरा कर दिया गया है। कैमरामैन मलिक कामरान के साथ ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम, ANN न्यूज, अटक। खबर शामिल करेंगे भुवाना से, जहां शहर भर में फेस्को की जानिब से तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस शहरियों का जीना मुहाल हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद उमर वकार आवान। गुज़िश्ता कई दिनों से भवाना शहर में फेस्को की जानिब से गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग का आगाज कर दिया गया है। शदीद गर्मी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है, वहीं ट्रिपिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग भी शुरू हो चुकी है। अवाम कई कई घंटे बिजली की फरहमी से महरूम रहते हैं। कोरोना लॉकडाउन की वजह से अक्सर दफातर, कारोबारी मराकज और स्कूल तो वैसे ही बंद हैं, इसके बावजूद वापडा की जानिब से घंटों बिजली बंद रखने की मंतक भी समय से बालातर है। शहरियों का इस हवाले से कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान जल्द अज जल्द हमें इस गैर एलानिया लोड शेडिंग के अजाब से बचाए, ताकि शहरी इस शदीद गर्मी की हालत में सुख का सांस ले सकें। मोहम्मद उमर वकार अमान, तहसील रिपोर्टर, ANN न्यूज, भवाना। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां गर्मी की शिदत में मुसलसल इजाफा जारी। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करने के लिए वहां से हमारे साथ मौजूद हैं फरहान रफीक। जी फरहान रफीक, मुल्तान के मौसम के बारे में अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर मुल्तान शहर के मौसम की बात की जाए तो मुल्तान शहर का मौसम गुज़िश्ता चंद दिनों से गर्म और खुश्क है। मुल्तान शहर में गर्म हवाओं का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने
आज सुबह जो महकमा मौसमियात ने आज सुबह जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड था, और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये। फरहान रफीक, आगाह करने का शुक्रिया। खबर नगर से फिलवक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ANNHD.TV, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान ही हमारा नस्बुल ऐन है। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मोहम्मद इमरान जाफिर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगेबान। आप देख रहे हैं ANN न्यूज बाखबर पाकिस्तान। कसूर की सरजमीन से मैं हूं अलमास बेग। आप देख रहे हैं बाखबर पाकिस्तान ANN न्यूज। मैं हूं थल की धरती से डिविजनल ब्यूरो चीफ राणा मजद बोबी दरिया खान डिस्ट्रिक्ट बकर। मैं हूं मरी से हुमैरा बानो। बात हो सियासत की या हो बदलते हुए मौसम की, रखूंगी आपको हर खबर से बाखबर। आप देख रहे हैं ANN न्यूज बाखबर पाकिस्तान। मदीनतुल औलिया मुल्तान से मैं हूं मोहम्मद फरहान रफीक। मैं हूं जनूबी पंजाब के पसमंदा इलाका से नियाज अहमद ANN न्यूज पोर्टल। करो हर सुबह एक नई जिंदगी का आगाज, होंगे आपकी सुबह के कुछ यादगार लम्हात हमारे साथ, जिसमें होंगी ढेर सारी